उसमें ये वाला पैटर्न बहुत सो ज्यादा दिख रहा प्रॉपर, ये ब्लैक कुर्ती है ना। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू यस हॉल वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सब? आई नो फेस्टिवल की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे अमेजोन की सबसे बड़ी सेल स्टार्ट हो चुकी है 8th of October से। एंड यहाँ पे जनरली आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, अप टू 70 to 80% ऑफ मिल जाता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, बेसिक से लेकर के फेस्टिवल आउटफिट तक मैंने शॉपिंग करी है, जो मैं अभी 1-2 मंथ से वेयर कर रही हूँ वो आज मैं सारे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब ऑलमोस्ट 10 आइटम है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इन टू द वीडियो। स्टार्टिंग विद दिस शॉर्ट कुर्ती, यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती शेयर करूंगी जो मैं कंटिन्यूअस वेयर कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 1 मंथ आई थिंक। उसके अलावा ट्राउजर भी मैंने बाय करे, वो डिफरेंट वीडियो में शेयर करूंगी। सो स्टार्टिंग विद दिस शॉर्ट कुर्ती, मीडियम साइज मैंने बाय करा है। यहाँ पे बहुत अच्छी सी डिटेलिंग आई है, वी नेक गला आपको मिल जाता है। यहाँ पे ऑल ओवर सेम प्रिंट आएगा, प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड पहने का भी फील ही नहीं आएगी। ये इतनी ज्यादा लाइट वेट है ना, मतलब प्योर कॉटन है एंड प्योर कॉटन की फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल होती है। 3/4 स्लीव आई है सॉरी, एंड सेम पैटर्न है। ये ट्राउजर के साथ भी अच्छी लगती है एंड डेनिम के साथ, फ्लेयर डेनिम एंड मैं यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट कुर्ती सेम कॉटन की फैब्रिक मैंने बाय करी है, ये भी मीडियम साइज मैंने बाय करा है। साइजेस तो मैं बताती जा रही हूँ, प्राइसेस जो है ऑफ कोर्स आपको और अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, फिर भी मैंने जिस प्राइस में बाय करा है या फिर जिस प्राइस में अभी अवेलेबल है, मैं उसकी स्क्रीनशॉट एंड डिटेल आपको साइट में लगाती जाऊंगी। एंड ये भी कॉटन की फैब्रिक है, कॉलर नेक आएगा एंड ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा, पर ओपन नहीं हो रहा है। ये मतलब इजी टू वेयर वाला पैटर्न है। यहाँ पे सेम काइंड ऑफ पट्टी दी गई है एंड ये छोटे छोटे से फ्लावर प्रिंट बने हुए हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, एक्सट्रीमली सॉफ्ट कॉटन की फैब्रिक है। इस ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एंड थोड़ी से महंगे भी होते हैं, ये उस अकॉर्डिंग काफी सही प्राइस था। 3/4 स्लीव आएगी एंड यहाँ पे अच्छा सा फ्लेयर्ड लुक आ जा रहा है, मतलब अच्छे से प्लिट्स बने हुए हैं ऑल ओवर, लाइक पेपलम जो कुर्ती होती है ना उस टाइप का है। एंड ऑफिस गोइंग एंड कॉलेज गोइंग के लिए सबसे कंफर्टेबल आउटफिट मुझे लगती है शॉर्ट कुर्ती एंड जब से मैंने ज्वाइन किया मुझे तो यही लग रही है शॉर्ट कुर्ती एंड ट्राउजर या कंफर्टेबल जो होते हैं ना फ्लेयर्ड डेनिम, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट शॉर्ट कुर्ती, ये भी प्योर कॉटन में है, इसकी प्रिंट बहुत अच्छी लगी एंड स्पेशली ये लेने का रीजन ये था ना कि ये वाला पैटर्न आपने पता नहीं नोटिस किया है या नहीं किया है, ऑल ओवर इंटरनेट ना यहाँ पे हुक आएगी, ऑल ओवर इंटरनेट नहीं, ऑल ओवर इंस्टाग्राम। मैंने एक ब्रांड देखी, नाम मुझे याद नहीं है, पर उनके जो अनारकली एंड कुर्ते थे ना उसमें ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा दिख रहा था, बांधनी काइंड ऑफ सूट। अगर मुझे पिक्चर्स मैंने स्क्रीनशॉट शेयर की होगी ना तो मैं दिखा दूंगी। सेम पैटर्न तरह का लीफ शेप आपको यहाँ पे बन जा रहा है एंड यहाँ पे पाइपिंग दी गई है सेम फैब्रिक से, यहाँ पे हुक अटैच किया गया है जो पहनने के बाद बहुत ज्यादा यूनिक एंड डिफरेंट लगता है एंड ये एथनिक वे में भी स्टाइल किया जा सकता है। इसका पूरा पैटर्न ऐसा आ रहा है कि आप नीचे फ्लेयर प्लाजो के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। ये यहाँ पे पूरा अंग रखा वाला पैटर्न है, यहाँ पे ये डोरी दी गई है जो ओपन हो जाती है, तो दिस इज सो गुड यार। मुझे ना ये ट्रेंडी पैटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी एयरलाइन पैटर्न में है, मतलब यहाँ से अच्छा सा फ्लेयर अटैच हो जाता है, जो पेपलम पैटर्न होता है ना वो वाला, एंड सॉफ्टनेस आप देख सकते हो। एंड इसकी भी प्राइस आई थिंक 500 के अराउंड थी, 500 में मैंने बाय किया 499 की प्राइस में एंड ये स्मॉल साइज मैंने बाय करा है, स्मॉल साइज मुझे अच्छे से फिट आ गई है। मूविंग टू नेक्स्ट शॉर्ट कुर्ती, ये शॉर्ट कुर्ती नहीं है, ये टॉप वाला पैटर्न है। इसकी भी सॉफ्ट रायोन कॉटन की फैब्रिक है, मगर ये क्रश होने वाली फैब्रिक नहीं है एंड सारे ही मुझे सही लगे हैं, हल्के फुल्के क्रश भी हो जाते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे शॉर्ट स्लीव आएगी एंड यहाँ पे फोल्डेड यहाँ पे बटन वाला पैटर्न है, आगे से एक बटन ओपन हो जाती है एंड पूरा कॉलर काइंड ऑफ नेक है, चाइनीज कॉलर शायद ऐसे बोलते हैं एंड ये पूरा शर्ट पैटर्न में है। इसकी प्रिंट आप क्लोजअप में शेयर करूंगी, बड़ा अच्छा लग रहा है एंड ये भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। इसकी भी साइज मैंने मीडियम बाय करी है एंड बहुत ज्यादा सूदिंग इजी ब्रीजी सा लगता है ना अगर शॉर्ट कुर्ती वेयर करते हो कॉलेज ऑफिस वाले, तो ऑफकोर्स इसमें से कुछ भी बाय करो, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। आई थिंक एक और शॉर्ट कुर्ती है हाँ, एंड मेरे कलेक्शन में ना ज्यादातर आपको कॉटन रायन ये सब दिखेगा, अगर पॉलिस्टर भी दिखेगा ना
तो वो जो एकदम कंफर्टेबल वाला होता है ना वही मैं ज्यादातर शेयर करती हूँ। इवन मैंने ड्रेसेस हॉल भी शेयर किए हैं लास्ट टू लास्ट वीडियो में, एंड ऑफ कोर्स मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, उस वीडियो में जाओ अगर गिव अवे में इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करने के, तो उसके डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो के कहीं पे पार्ट में मैंने डिटेल शेयर की है, तो उसको रूल को फॉलो करो एंड विन करो। मैंने वॉचेस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं, मैं इसलिए वेयर भी नहीं कर रही हूँ कि नहीं वो गिव अवे मैं दूंगी। ओके, शॉर्ट कुर्ती पेपलम काइंड ऑफ पैटर्न में है, ये भी मीडियम साइज मैंने बाय करा है, एंड इसमें ना इस तरह की प्लीटेड वाली पैटर्न है नेक साइड में, एंड बैक साइड में ना मेटल वाले बटन आएंगे, एंड ये भी कॉटन फैब्रिक मेंशन है पर ये मिक्स कॉटन है, कॉटन ब्लेंड जो होता है ना वो वाला फैब्रिक है, एंड पेपलम पैटर्न है। इसकी फ्लावर प्रिंट बहुत ही प्यारी लग रही है, एंड इसका जो बेस है ना दैट इज क्रीम कलर, दैट इज अगेन लुकिंग सो सूदिंग, बहुत कूल वाला फीलिंग आ रहा है। आज की सो टॉपर ये ब्लैक कुर्ती है, एंड आई थिंक आज ब्लैक कुछ ज्यादा ही मैं शेयर करने वाली हूँ। दिस इज जस्ट फॉर फेस्टिवल वाली वाइब्स आ रही थी, एंड बहुत टाइम से मेरे विशलिस्ट में पड़ा था पर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। आज के पूरे जो कलेक्शन है ना वो 400-500 या 600 मैक्सिमम वाले हैं, सिर्फ ये जो है ना मैंने 999 बाय करा है। ऑफ कोर्स अभी सेल है तो सेल में आपको मे बी इससे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, कह नहीं सकती क्योंकि मैंने बाय किया है काफी पहले, एंड स्मॉल साइज मैंने बाय करा है, ये पूरा पेपलम पैटर्न में है, पर क्या यार बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी फैब्रिक है, मतलब ऐसा फील आ रहा है ना कि यहाँ पर कितना हेवी सिक्वेंस या कुछ डिटेलिंग की गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये फैब्रिक उस तरह की अटैच की गई है ना कि वो पूरा रात में ना ब्लिंगी ब्लिंगी वाला पैटर्न क्रिएट हो रहा है, एंड यहाँ पे दो डोरी आएगी। ऑफकोर्स इसके साथ ना व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का ट्राउजर वेयर कर लो, मतलब व्हाइट लेग काइंड ऑफ, और भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, सोचो सोचो, पर बहुत सही वाला ये पैटर्न है एंड बहुत सही वाला लुक दे रहा है, एंड ऑफकोर्स इसकी फैब्रिक कॉटन ही है, ये जॉर्जेट है एंड इसके साथ लाइनिंग आई है, इसमें अच्छा सा शाइन वाला पैटर्न है। ओके गाइस, अभी मैं दो टॉप वेयर मैंने अमेजोन से अपने लिए आए करे हैं, एंड तीन अपने भाई के लिए, टॉप वेयर नहीं यार टी शर्ट्स मैंने बाय करे हैं जो यूनिसेक्स है, आप मेल हो या फीमेल है, दोनों क्या हो गया, जो भी मेल या फीमेल यूनिसेक्स है तो आप दोनों ही वेयर कर सकते हो, पर ये तीन टी शर्ट्स है ना वो मैंने अपने भाई को गिफ्ट करने के लिए बाय करी थी, और दो मैंने अपने लिए बाय करी है। पहले जो मैंने भाई के लिए बाय करी है वो मैं शेयर करती हूँ, एंड दिस इज इन व्हाइट कलर, एंड इसमें टैग लगी हुई है, इसकी कॉटन की जो फैब्रिक है ना काफी थिक वाली है, एंड काफी ओवरसाइज्ड, मतलब मैं अगर पहनूंगी तो ओवरसाइज नहीं लगेगी, स्मॉल साइज मैंने बाय करा है, फ्रंट में आपको इस तरह की कुछ प्रिंट आते हैं, बैक साइड में बहुत अच्छा सा ये ऐसा कुछ आ रहा है कार्टून लोगो, एंड स्पेशली इसकी फैब्रिक काफी थिक वाली है तो इसलिए मुझे सही लगी। ये थोड़ी सी कॉस्टली है भाई वाली, मेरी वाली बहुत सस्ती है। एंड नेक्स्ट वन इज इन स्काई, एंड यहाँ पे भी छोटू सो डॉग बना हुआ है, और बैक में गुड वाइब्स, ऑफकोर्स इसकी ट्रॉन भी मैं शेयर कर दूंगी क्योंकि यूनिसेक्स है तो कोई भी वेयर कर सकते हैं, एंड मैं अपनी वाली शेयर कर रही हूँ, और ये वाले जो है ना जो मैंने अपने लिए बाय करी है ये 500 के अंदर है, 499-399 प्राइस में थी, एंड इसकी कॉटन की क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है, मतलब गर्मियों में आपको फील ही नहीं आएगा कि ब्लैक आपने वेयर किया हुआ है, इतनी सॉफ्ट मुझे इतनी अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा यार वीडियो में शेयर करना तो बनता है। मीडियम साइज मैंने बाय करा है, कुछ कैट सी बनी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड नेक्स्ट वन I got for me is this, यहाँ पे चिंचैन बना हुआ है, मैंने दोनों मीडियम साइज में बाय करी है, इसकी भी बहुत सॉफ्ट सी कॉटन की फैब्रिक है, एंड ये भी दोनों मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो एंड इसमें ब्लैक कलर भी, मतलब भाई के लिए मैंने ब्लैक कलर भी बाय करा है, तो उसकी ट्रान में शेयर करती हूँ, बंद रखा है। एंड इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट भी मैंने बाय करे थे, तो किसी वीडियो में रैंडम वीडियो में शेयर कर दूंगी जो ऑलमोस्ट मैं यूज करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, मुझे जरूरत थी। So that's it for today's video, and next क्या आप पहले दिखना चाहते हो, like मैंने trousers buy करे हैं, linen trousers,
सारे मुझे पसंद आए हैं। मैं फेस्टिव कुर्ता सेट कॉर्ड सेट बाय करे हैं, तो इंडियन एथनिक वाले कॉर्ड सेट अप्रॉक्स 1000 के रेंज में, ज्यादा महंगा नहीं है एंड ऑफ कोर्स आपको सेल में और कम प्राइस मिल जाएगी। एंड उसके अलावा मैंने ज्वेलरी सेट बाय करी है, एंड उसके अलावा मतलब डेली वेयर कुर्ता सेट बाय करा है जो मे बी मैं अपनी मॉम के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर वही वेयर करती है, मैं भी वेयर करती हूँ, पर ज्यादा होता है ना कैजुअल टी शर्ट वेयर कर लेना होता है, तो ये सब मैंने बाय करा है एंड सारे ही मैं यूज करना स्टार्ट हो चुकी हूँ, तो आपको अच्छी रिव्यूज मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड टेक केयर एंड इस सेल का फायदा उठाओ। कुछ भी अगर पसंद आया है सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, बाय। ओके चलो, वो ब्लैक वाली जो टी शर्ट थी ना वो भी मैं शेयर कर दे रही हूँ। इसकी भी काफी थिक फैब्रिक है एंड यहाँ पे लोगो काइंड ऑफ कुछ बना हुआ है एंड बैक में ऐसा कुछ इमोजी पिक्चर्स बने हुए हैं। दैट्स इट गाइज।